नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रतलाम ब्यूरो, भैरूलाल मालवीय की रिपोर्ट। महुनीमा सड़क राजमार्ग पर चाकू मारकर लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने महुनीमच फोर लेन सड़क राजमार्ग पर चाकू मारकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30 मार्च 2021 को अर्जुन पिता तुलसीराम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सरसोदा थाना रिंगनौद जिला रतलाम अपनी बाइक से जावरा से ग्राम सरसोदा को घर जाते समय भैसाना फंटे के आगे जावरा मंदसौर हाईवे रोड पर उसके साथ दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने पाइप एवं चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर उसका मोबाइल पर्स जिसमें 1400 रुपए लूट कर ले गए। भैसाना फंटे पे पहुंचे तो लोग, 4 लोग दो गाड़ियों से भैसाना फंटे पर रुके और 2 लोग एक मोटरसाइकिल से जोरो तिराहे पे और 2 लोग एक मोटरसाइकिल से रूपनगर फंटे पर रुके ताकि यदि पुलिस की गाड़ी आए तो भैसाना फंटे पर जो वारदात करने वाले 4 लोग हैं उनको ये लोग सूचना दे सके। जब रात को 11:30 बजे अर्जुन पिता तुलसीराम कर रहे थे, कल मुखबिर से सूचना हमको मिली कि हिंगोया के दीपक पिता मदनलाल कीर, देवेंद्र पिता शंकरलाल कीर, शिवलाल पिता रामचंद कीर, गोधन पिता मोती कीर और यू पिता कचरू कीर, जितेंद्र पिता रामचंद कीर, दशरथ पिता तोलाराम कीर, इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। मुखबिर सूचना पर इन लोगों को पकड़ा गया और इनके द्वारा बताया कि 30 मार्च को इन सभी लोगों ने रामधानु हिंगोरिया में तेजाजी मंदिर के पास बैठकर एक योजना बनाई कि अभी किसानों की फसलें पक गई हैं और किसान लोग अरने पीठा मंडी में फसल बेचने आ रहे हैं और शाम को फसल बेचकर पैसा लेकर घर जाते हैं, तो अपन सब मिलकर किसी अकेले आदमी को रोकते हैं और उसके साथ लूट की घटना घटित करेंगे। ये योजना के मुताबिक सभी लोग